और आप ही कह रही है ना कि मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ, तो मेरी आंखें खोल दीजिए ना, बताइए ऐसा क्या है जो मैंने नहीं देखा है। तुझे छोड़ना पम्मी? नहीं, क्यों छोडूं? कल की शुरुआत आपने की है ना, तो आगे बात आप ही बताएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसी कोई गल हो जो मेरे घर परिवार को नुकसान पहुंचाए। इसलिए साफ साफ बताइए क्या जानती हैं। पता है पम्मी, कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैं तेरी जगह होती तो कितना अच्छा होता। कभी कभी कुछ नहीं पता होना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। रब दी मेहर होती है, बेखबर जिंदगी जीते रहो, आराम से बैठे रहो। आप फिर से बात को घुमा रही हैं, मुद्दे पे आ ही नहीं रही हैं, साफ साफ नहीं बता रही हैं क्या कहना चाहती हैं आप। मुझे दोष देने से पहले तू खुद भी तो सोच, तू इस बाजवा परिवार की मुखियानी है, तुझे तो सब पता होना चाहिए तेरे घर में चल क्या रहा है। जब भी मैं परी को गुस्सा करती हूँ, उसको डांटती हूँ उसकी गलती के लिए, तू बीच में कूद पड़ती है और मेरे से झगड़ा शुरू कर देती है पागलों की तरह। खैर, तुझे जब पता चलेगा ना कि तू क्या गलत कर रही है तो तुझे बहुत पछतावा होगा। तू नीति और मेरे लिए ऐसा नहीं सोचेगी जैसा अभी सोचती है, लेकिन जब तुझे पूरा सच पता चलेगा ना, तो ना तू नीति को कुछ बोल पाएगी और ना मुझे। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें वक्त के सहारे छोड़ देना होता है। हर बात का फैसला तो ऊपर वाला भी तुरंत नहीं लेता। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों चढ़ा के रखा हुआ है? अभी तो संजू ठीक हो गया ना? हाँ संजू ठीक है, नीति और संजू के बीच मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ तो हुआ है उन दोनों के बीच जो मैनू नहीं पता है, लेकिन बेबे नु सब पता है। क्या? लेकिन इनका ये मानना है कि कुछ चीजें ना पता चले वही सेहत के लिए चंगा होता है। बेबे, अगर आपको कुछ पता है तो आप बताते क्यों नहीं? कोई फायदा नहीं है गुरिंदर, कई बारी पूछ लिया है लेकिन अब समझ में आ गया है, ये मैनू कुछ बताना ही नहीं चाहती है। क्योंकि अगर मुझे पहले से सब कुछ पता होता ना, तो मैं ये मुसीबतों को आने ही नहीं देती। मैं सिर्फ अपने कर परिवार को बचाना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अरे हम करके बड़े हैं, हमें मिलकर ही सब कुछ करना पड़ेगा ना। समझ नहीं रही है ये? अरे अरे पुत्र, तू ठीक है ना? अच्छा वो आपको होश आ गया, हम कब से वेट कर रहे थे। एनीवेज अभी बिल्कुल ठीक है। थोड़ी चंगी गल है, हम इसे और संजू को कब ले जा सकते हैं घर? आप इन्हें अभी ले जा सकते हैं, बट संजू के साथ कुछ दिनों तक एक नर्स को रहना होगा। जी, और परी? ये ठीक है, बस आप इन्हें खाने में हैवी डाइट की जगह लिक्विड डाइट देना। जी डॉक्टर, थैंक यू। ती, नीति कहाँ है? ये परी भी ना अभी तो अच्छे से होश में भी नहीं आई आते ही। नीति कहाँ है? क्या काम है ऐसे नीति से? बाहर मिली थी अभी, परेशान सी थी इसलिए शायद घर चली गई। कि? नीति घर चली गई? नीति घर कैसे जा सकती है जब उसकी जान यहाँ, और संजू भी ऐसे है। नहीं नहीं, नीति तो घर नहीं जा सकती। यार मैंने खुद देखा तुझे उस नकली नर्स और नकली डॉक्टर के साथ, जिन्होंने मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था और जहरीली गैस छोड़ दी थी ताकि मैं मर जाऊं। मैंने हायर किया था किसी को तुझे मारने के लिए। नीति घर चली गई है, मैं अभी जाती हूँ। परी? अरे अरे परी, परी पुत्र, परी। प्रजाई जी, आप और चंद्रिका जाके परी और संजू के डिस्चार्ज पेपर तैयार कराइए। ठीक है, मैं और बेबे देखते हैं कि नीति कित है। लेकिन अगर वही दोस्त आपकी सौतन बन जाए? तेरी सौतन नहीं हूँ नीति, ये कंगन और ये सिंदूर किसके नाम का लगा है? राजीव के नाम का जो तुझे कपड़ा छोड़ के चला गया, या फिर उसके नाम का जो अंदर हो? नीति, भाभी। मोंटी, क्या हुआ, तुम ठीक हो? भाभी मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन आप ही भागे भागे कहाँ जा रहे हो? मोंटी तुम प्लीज मुझे घर लेके चलोगे? हाँ चलिए ना, प्लीज जल्दी चलो भाभी, आराम से। बेबे,
मैंने कुछ गल करनी है आपसे। तो बोल ना। कैसे बोलूं? अरे पा, तेरे को क्या हो गया? तेरी जबान तो कैंची की तरह चलती है। जहां तक मुझे पता है रुकने नहीं वाली है, मरते दम तक जंग नहीं लगेगा। जब आपको पता है कि मेरी जबान कैंची की तरह चलती है तो दूर रहा करें मुझसे। अरे मेरे को शौक है तेरे से बात करने का और तेरे नजदीक आने का। मैं तो खुद तेरे से दूर रहना चाहती हूँ, पहले भी और आज भी। ये तो तूने ही मुझे रोका है, तब रुकी हूँ, बोलना। अरे मैंने कहा ना, मैंने गल करनी थी आपसे, इसलिए रोका। हाँ तो बोलना गुरिंदर, क्या बोलना चाहती है? वैसे कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन सच ये, नीतिक की असल सास मैं हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा समय वो आपके साथ बिताती है। तो आपको जरूर पता होगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना बेबे? हाँ कुछ कुछ पता है। तो अगर आपको पता है तो आप बताती क्यों नहीं है? क्या हुआ है नीति को? नीति को सच पता चल गया। कौन सा सच? कैसा सच? परी और संजू का सच। परी और संजू का सच? हाँ, नीति को पता चल गया है कि परी और संजू की शादी हो गई है, और ये बात उसे आज नहीं, बहुत पहले से पता है। लेकिन नीति को पता कैसे लगा? संजू और परी की करीबी शायद तुझे और पम्मी को नजर नहीं आई, लेकिन कितनी बार ऐसे मौके आए जो संजू और परी एक दूसरे के इतने करीब पाए गए जैसे कि वो पति पत्नी हो। और तुझे तो पता है ना कि राकेश के साथ शादी के टाइम कितनी कोशिश की संजू ने वो शादी रुकवाने की, और आखिर वो शादी रुकवा कर ही माना। और तो और, परी को बचाने में उसने अपनी जान तक की बाजी लगा दी। तो देख गुरिंदर, नीति ना कोई दूध पीती बच्ची नहीं है कि जिसे हम जो बोलेंगे ना वो यकीन कर लेगी। अरे उसे दिखता है कि कैसे उसका पति उसकी सहेली की इतनी फिक्र करता है, कभी बच्चे के बहाने और कभी एहसान के बहाने। ये क्या है गुरिंदर, ये सब कुछ उसे समझ में आता है नीति को। देख गुरिंदर, सच ना हजार पर्दों में भी रख दो फिर भी छुपता नहीं है। लेकिन खैर, जो होना था सो हो गया। अब तुम मुझसे एक वादा कर कि ना तू नीति को ये नहीं बताएगी कि ये सारी बातें मैंने तुझे बताई, नहीं तो तुझे पता है ना वो क्या कर डालेगी, क्या नहीं कोई नहीं जानता। अब समझी वो किस बड़े फैसले को लेने की बात कर रही थी। आज नीति घर वालों के सामने परी का सच परी के ही मुंह से उगलवा कर रहेगा। आज सब कुछ सामने आ जाएगा। आज तो हमारी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा गुरिंदर, भूचाल। एक बार तो हमको लगा इनका बचना मुश्किल है, बट मिस परी जबरदस्ती अंदर आई और इनकी हालत सुधरने लगी और इन्हें होश आ गया। हो सके तो एक बार मिस परी को बुला दीजिए। लास्ट टाइम भी संजू की कंडीशन जब ऐसी थी तब संजू को परी ने पुकारा था, और तभी मैंने देखा कि संजू की हार्ट बीट एकदम स्टेबल हो गई थी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि संजू की वाइफ आप है या मिस परी, जो सच था वो मैंने बता दिया। से चुराया था जो
अपना बनाया था वो तेरा, वो मेरा साथ निभाया था जो अपना बनाया था चदरिया हुआ भाभी, आप इतनी टेंशन में क्यों? नीति भाभी ने कुछ कहा क्या? आप दोनों का फिर से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। हुआ तो है कुछ ना कुछ। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना। ये अचानक से बारिश कैसे शुरू हो गई? अचानक से कहाँ भाभी, पूरी रात बादल गरज रहे थे, अब जाके बरसा है। लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई। क्या हुआ मोंटी, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? भाभी रोकी नहीं है, रुक गई है, स्टार्ट भी नहीं हो रही है, मैं देखता हूँ। नीति, बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे। नीति, लम्हे ये क्यों घट रहे हैं, जाने कैसे कोई सहता जुदा। नीति, 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 नीति मेरी बात तो सुन। नीति कहाँ जा रही है? ये चल क्या रहा है इन दोनों के बीच में? I'm sure कुछ ना कुछ तो हुआ है इनके बीच में। नीति, नीति मेरी बात तो सुन। नीति, नीति, ओ नीति की होया? नीति, नीति रुक तो। परी? परी? नीति मेरी बात तो सुन। नीति, नीति रुक ना। नीति, नीति मेरी बात सुन। नीति, नीति दरवाजा खोल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नीति दरवाजा खोल। जो भी बात होगी ना सबके सामने होगी परी, पर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। एक बार तो मेरी बात तो सुन, दरवाजा खोलना यार। मैंने कहा ना मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, कुछ देर अकेला छोड़ दे मुझे, जा यहां से। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। नीति मेरी बात सुन एक बार प्लीज, तू रोना बंद कर और मेरी बात सुन। परी, अगर तू चाहती है ना कि मैं ना रहूं, तो भगवान के लिए यहां से चली जा, मुझे तेरी आवाज भी नहीं सुननी। आ गए। संजू का डिस्चार्ज करवा के आ रहे हैं। उधर वहां नर्स ने बताया कि परी तेरे नाल निकली थी। किथे है वो? ठीक है ना? जी मम्मी जी। और नीति किथे है? घर आ गई है वो? उधर वो नर्स किथे है जो तेरे साथ आने वाली थी? हाँ रिलैक्स, अभी तो घर में आया हूँ, अभी से डांटना चालू हो गया। पुत्र, ओ पुत्र, ओ कोई गुस्सा नहीं कर रहा तेरे साथ, तुझसे इतना बता, ओ नर्स आई क्यों नहीं तेरे साथ? आओ जी, वो नर्स आई थी बट मैंने उसे वापस भेज दिया। क्या वापस भेज दिया? पागल हो गया है क्या तू? क्यों कर रहे है तू ये सब? अरे डॉक्टर ने कहा था कि तुझे अभी नर्स की जरूरत है पुत्र। माँ मैं घर में आ गया हूँ, आप लोग हो ना मेरा देखभाल करने के लिए, क्या करेगी नर्स? और तेरा ना बचपना नहीं खत्म होगा, हर बात में मजाक नहीं होता,
डॉक्टर का काम ना डॉक्टर ही करता है। वीर सिंह मैं ठीक हो? परी, परी पुत्र तू ठीक है ना? नीति कैसी है? तुझसे पूछ रहे हैं कि कैसी है नीति? क्या हुआ परी, कोई प्रॉब्लम हुई है? मैंने नीति से बात भी की थी, उसने कुछ बताया नहीं। तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, उसने तुम्हें तो कुछ बताया होगा। ओए कमाल है, आजकल तुम बच्चे ना अपनी मर्जी के मालिक हो गए हो। ओए हमारे बच्चे खुश हैं परेशान ये भी नहीं पता चलता हमें आजकल। मम्मी अपने संजू को ही देख लो, अपनी मर्जी से नर्स को भगा दिया, अब देखो बात कर रहा तो कमजोरी का पता चल रहा है। नहीं ताऊ जैसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा मेडिसिन की वजह से वीकनेस है। आप देखना घर में आराम करूंगा तो एकदम ठीक हो जाऊंगा। आप कितने हैं नीति, दिखाई नहीं दे रही है? आप दोनों साथ में ही तो निकले थे ना? मैं यही हूं। आप सभी का ही वेट कर रही थी मैं। हॉस्पिटल में तू बेहोश थी और संजू भी ठीक नहीं था, लेकिन अब तुम दोनों यहां हो तो बात कर लेते हैं। एक बार मुझसे संजू क्या हुआ तुम ठीक हो? चलो मॉन्टी में लेके चलते हैं। मॉन्टी तुम प्लीज नर्स को बुलाओ। आराम से। लगता है इन दोनों सहेलियों के बीच में कोई तो बात हुई है, दोनों ही परेशान लग रहे हैं। हाँ कुछ तो है, वो दोनों जब कार आए थे ना तो नीति बड़ी जल्दी में थी, सीधे अपने कमरे में चली गई और परी वो तो आवाज ही देते रह गई। इन दोनों के बीच आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई तो बात जरूर है। जलती है नीति परी से, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पैर ऊपर करो पानी। हाँ ठीक है, मैं तो ठीक हूं, लेकिन तुम दोनों बताओ कि बात क्या है। इस बात को लेकर इतने स्ट्रेस में हो? मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं तू कहाँ जा रही है? तेरे बिना ना सब कुछ अधूरा अधूरा सा हो जाता है यहाँ पर। नीति बात क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं बात क्या है? नीति बात क्या है? नाराज हूं तुमसे, ये पता है मुझे। इसके अलावा तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपाई है मुझसे और मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। रियली सॉरी नीति। हाँ मैंने तुम्हें कुछ बातें नहीं बताई हैं, बट आई रियली लव यू। I love you like anything, Neeti. तुम मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हो और तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी एकदम अधूरी, एकदम खाली।
सच बोल रहे हो? तुम्हें शक है मेरे प्यार पे? मैंने जो कुछ भी बोला है ना नीति, एक एक शब्द बिल्कुल सच बोला। और ये चीज मैं तुम्हें बहुत पहले कहना चाहता था, कि हमारी जिंदगी में सब कुछ चल रहा था तो कह नहीं पाया। अभी टाइम ठीक लगा तो कह दिया। मेरी पूरी दुनिया, मेरा सब कुछ सिर्फ मेरी नीति है, सिर्फ मेरी नीति। हर बार तुमने यही कहा है संजू, और तुम्हारी यही बात सुन के हर चीज बर्दाश्त की है मैंने, लेकिन अब और नहीं, जो करना है वो मैं करके रहूंगी। परी, नीति, मुझे लगा कि तू संजू के पास थोड़ी देर रहेगी इसलिए बिना कुछ कहे वहां से चली आई, लेकिन मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। पर मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, और वैसे भी तू अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए कि तेरे पीछे पीछे तुझसे बात करने आऊं मैं। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ नीति, और मेरा यकीन कर यार, मैंने तेरी खुशी के अलावा कभी कुछ नहीं चाहा है, और तेरा घर, तेरा पति, इन पे मेरा कोई हक नहीं है। और मैंने तो खुद तेरा घर प्रवेश कराया था यार इस घर में, मैं तेरा घर कैसे तोड़ सकती हूँ यार? जो तेरा है वो हमेशा तेरा ही रहेगा, मैंने कभी तेरा बुरा नहीं चाहा है, और मैंने पहले भी इस घर से जाने की कोशिश की थी, लेकिन 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 क्या? नाटक मत कर मेरे सामने, तू थकते नहीं है क्या महानता का नाटक करते करते? कब जाने वाली थी पता? एक रात को अचानक से निकल गई और एक कोठे पे जाकर फंस गई। वहां से मैं बचाकर लाई थी तुझे परी, क्योंकि तब मैं तुझे जानती नहीं थी ना, तब तू मेरी सौतन नहीं सहेली थी, मेरी जान थी। लेकिन आज, आज तो मेरी सौतन है, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है तू मेरी। बहुत अच्छे से जान गई हूं मैं तेरे पैंतरे, इसलिए ये नाटक मत कर मेरे सामने घर छोड़ के जाने का। मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ नीति, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने सच में इस घर से जाने की कोशिश की थी और कई बार कोशिश की। रात को गई थी ना, ताकि सब लोग जब सुबह उठे तो परेशान हो जाए कि भाई परी कहाँ चली गई, ताकि सब लोगों के जहन में सिर्फ परी रहे। बहुत अच्छा तरीका है सबकी नजरों में आने का परी, अगर जाना ही था तो आराम से जाती ना, शराफत से जाती, बोल के जाती सबको कि मैं जा रही हूँ, आई एम श्योर सब लोग तुझे स्टेशन तक छोड़ने आते। लेकिन नहीं, तुझे तो माहौल क्रिएट करने में बड़ा मजा आता है ना, ताकि सब लोग बस परी परी करते रहे और तू सबके इमोशंस के साथ बस खेलती रहे। नहीं नीति, तू ये सब क्या बोल रही है यार, तू सच में गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं तो तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर रही है। तुझे समझना था ना परी, मैं समझ चुकी हूँ, उससे ज्यादा ही समझ रही हूँ मैं तुझे, और मुझे तेरे प्यार की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी वजह से मैंने अपने बच्चे को खो दिया है। हाँ, तेरी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले चला गया परी, और तेरी वजह से अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। प्यार कहती है, ये प्यार है? प्यार नहीं है, ये तेरी नफरत है मेरे लिए परी, तभी तो ये सब कुछ कर रही है मेरे साथ, वरना नहीं करती। लेकिन बस मैंने बहुत कर लिया, मैंने बहुत सहन कर लिया, अब और नहीं। इस बच्चे को अबॉर्ट कर और निकल यहां से, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। नहीं नीति, तुझे जो कहना है तो मुझे कह, हजार गालियां दे, बद्दुआएं दे, जो कहना है मुझे कह, लेकिन तुझे मेरी कसम है, अगर तूने इस बच्चे के बारे में कुछ भी गलत कहा ना, बोल मत परी, ये तेरा बच्चा नहीं है। नहीं भूली हूँ, बच्चों का बच्चा है। नहीं भूली हूँ, सब याद है मुझे, बच्चा चाहे तुम्हारा है लेकिन है तो बच्चा ना,
इसलिए प्लीज इसकी जान लेने की बात मत कर। एक मासूम की जान लेना बहुत बड़ा बात। बकवास मत कर मेरे सामने, और ये लेक्चर ना मुझे मत दे। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। इसे अबॉर्ट कर और जा यहां से, फ्री हो जा। नहीं नीति, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अबॉर्शन नहीं। मुझे तेरे साथ कोई रिलेशन ही नहीं रखना तो? हाँ, मुझे तेरे साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखना परी, ना सौतन का, ना दोस्ती का, और ना ही सरों किसी का। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को तू जन्म दे और तू मेरे बच्चे की सरोगेट मदर बने। नहीं नीति, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तू अकेले कुछ नहीं कर सकती, समझी? एक बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे नीति, चिल्ला मत, बस। मैंने अपनी तरफ से दोस्ती निभाने में कोई कमी नहीं की, लेकिन अगर तू चाहती है कि हमारा दोस्ती का रिश्ता यही खत्म हो जाए तो ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। लेकिन जब तेरा असली चेहरा सबके सामने आएगा ना नीति, सब तुझसे नफरत करेंगे। अलग होने जा रहा है राशि। अहम रिश्ता? मैं कुछ समझा नहीं। वो रिश्ता जो मेरी जीने की ताकत था, आज वही रिश्ता टूटने की कगार पे आ गया। कहीं तुम राजीव? नहीं, अब और कुछ मत पूछना, मैं नहीं बता पाऊंगी। परी, कुछ तो ऐसा हुआ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा है। प्लीज मुझे बताओ ना बात क्या, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। प्लीज बस राजीव, प्लीज और हमदर्दी मत जता। पहले इस हमदर्दी की वजह से बहुत भारी कीमत चुका रही हूं मैं। प्लीज मुझे जाने दो। परी, इधर देखो। अरे मैंने कहा इधर देखो। राशिफ, जाने दो मुझे। चली जाना, एक बार बता दो कि बात क्या है, फिर चली जाना, नहीं रोकूंगा। राशिफ, मैंने कहा ना मत पूछो मुझे, मैं नहीं बता पाऊंगी। समझ गया, नाराज हो मुझसे। इधर तुम नाराज हो, उधर नीति नाराज है, बट कोई बात नहीं, रहो नाराज। तुम दोनों का हक बनता है मुझसे नाराज रहने का, पर एटलीस्ट बता तो दो कि बात क्या है। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं, प्यार करती थी ना मुझसे, फिर भी ऐसे बिहेव कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं हूं, बट अब लग रहा है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ मैं हूं। अरे आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बताओ ना कि बात क्या है। कैसे बताऊं राजीव, क्या हो तुम मेरे लिए?
अरे प्लीज जाने दो मुझे। मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए, कभी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में इतनी तकलीफें आएं। पता है जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी समझ गया था कि हमारा कोई मैच नहीं है, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो परी, और मैं शायद उतना अच्छा कभी नहीं बन सकता। और फिर माँ के कहने पे मुझे जबरदस्ती तुमसे शादी करनी पड़ी। आई स्वेयर परी, मैं तुम्हें कभी तकलीफें नहीं देना चाहता था। धोनी को कौन टाल सकता है? आई नो तुम्हारी सारी तकलीफों की जड़ मैं हूं, हर चीज के लिए जिम्मेदार मैं हूं। पता तुम्हें, जब भी मैं तुम्हारी केयर करता हूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पापों की सजा कम कर रहा हूं, अपने पापों का पश्चाताप कर रहा हूं कि तुम्हारी केयर करना ना मुझे अच्छा लगने लगा है। दिल को सुकून मिलता है जब तुम्हारी केयर करता हूं। पर किसी की केयर करना कोई गलत बात तो नहीं है ना परी, है ना? परी आई एम रियली सॉरी जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया। परी मैं तुमसे बात कर रहा हूं। कत्ल अगर करना हो करना धीरे से, उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से, दूर जा अभी नहीं पलटोगी परी। तुम तो कसम नहीं। अगर इस बार पलट गई ना तो वो काम कभी नहीं कर पाऊंगी जो करने जा रही। मुझसे खुद से राजी, तेरी मेडिसिन। थैंक यू। तू यहाँ क्यों खड़ा है? कुछ हुआ है क्या? तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ है? पता नहीं भाभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे घर का माहौल बड़ा अजीब सा हो गया है। परी भी ऐसे, और नीति भी गुस्से में थी। श्योर नीति के दिमाग में जरूर कुछ ऐसा चल रहा है जो उसे बहुत तकलीफ दे रहा है, बट कोई मुझे कुछ बता के राजी नहीं है। आपको बताए कि बात क्या हुई है? हाजी, नीति के दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो जल्दी ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि बहुत देर से ना वो बेचैन से घूम रही है। संजू, तू ऐसे क्या कर रहा है? डॉक्टर ने तेरे को आराम करने के लिए कहा है ना, चल अंदर चल, आ जा। बस कीजिए बेबे, मैंने आपको पहले भी वॉर्न किया था कि अपने लिमिट क्रॉस मत करना, मेरी परी के खिलाफ कुछ मत बोलना, लेकिन जितनी आप उम्र में बड़ी है ना, उतनी दिमाग से कम और बदतमीज भी है। बस बेबे, आप ये क्या बोले जा रहे हो? नीति ये सवाल पूछे तो समझ में आता है, बच्ची है वो, उसे रस्म और रिवाज नहीं पता। लेकिन आप तो इस कार की बड़ी है ना, आपको तो सब पता है, फिर भी आप इस तरह के सवाल पूछ रही है। बेबे, उसे चाहते हैं कि परी इस घर नो छड़ के जाए ना, तो अब परी नहीं तो उसी छड़ के जाओगे इस घर नो। इसलिए अपना सामान पैक कीजिए और पिंड जाइए। और ऐ कहते हुए मैनू भी अफसोस नहीं है, आपका बदला गुरिंदर से है ना, तो पूरे बाजवा परिवार से क्यों बदला लेना चाह रही हैं? घर वालों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है, अपने घर में आग लगाना चाहती है आप। वक्त जरूर लगा, लेकिन आखिर वो दिन आ ही गया। तूने तो मेरा घर बर्बाद किया था ना गुरिंदर, लेकिन मैंने तो तेरी जिंदगी ही बर्बाद करने का इंतजाम कर दिया। मेरे प्यार को पूरे गांव में बदनाम कर दिया था तूने, मुझे पूरे खानदान के सामने रुसवा कर दिया था। मेरे पति से
मुझे दूर करवा दिया था ना तूने। अब देख तेरी इस घर की बदनामी पूरा चंडीगढ़ देखेगा। और ये तेरी हवेली है ना, पूरे खंडर में ना तब्दील कर दी ना मैंने, तो मेरा नाम भी सुलोचना नहीं। गुरिंदर इधर आ। जी कहो। तूने एक कहावत तो सुनी है ना कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। हाँ सुनी है, लेकिन आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि फसल काटने का टाइम आ गया है। फसल काटने का टाइम आ गया। बेबे आप साफ साफ कहिए ना, क्या कहना है आपको? एक बात तय है कि सबको अपने किए की सजा इसी जन्म में मिलेगी। अगले जन्म का इंतजार किसी को नहीं करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि आप कह कुछ रही हैं और कहना कुछ और चाहती हैं। आज पहली बार मम्मी तूने बेबी को सही समझा है। मैं बिल्कुल यही कहना चाहती हूँ, आज तुम दोनों को पता चलेगा कि घर टूटने का दर्द क्या होता है। ए बेबे की बोल रही है, कुछ समझ में आया तेनू? कुछ भी बोलती हैं वो, उम्र हो गई है उनकी। नहीं, उनकी उम्र जरूर हो गई है, लेकिन इस वक्त उन्होंने जो कुछ भी बोला है पूरे होश और आवाज में बोला है। मैं पता लगाती हूँ उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बेबी, संजू, नीति, देर बाद इस हॉल में क्या पूरे घर में ऐसे ही सन्नाटा छाने वाला है। सब चले जाएंगे यहां से, कोई भी नहीं रहने वाला, सिर्फ इन बेजान दीवारों और इस वीरान छत से सब खत्म। बेबे प्लीज मैंने बताइए, ऐसा क्या है जो आप जानती जो मैं नहीं जानती? ऐसा क्या है जो मुझे पता होना चाहिए? तू तो सब जानती, तुझे सब कुछ पता है। और तू क्या इस घर का हर एक शख्स जानता है? हाँ, बस सिर्फ सबने ना अपना मुंह बंद किया हुआ है, मुंह में ताले लगा के रखे हैं। पर अब तो क्या, अब इस घर में एक ऐसा तूफान आने वाला है, ऐसा तूफान आने वाला है पम्मी, इस पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। फिर ना तो तू कुछ कर पाएगी और ना इस घर का कोई भी शख्स कुछ कर पाएगा। मैंनू डराइए मत। ना 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 ना, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं तुझे सच दिखा रही हूँ। एक काम करते हैं, तेरे पति को भी लेकर आते हैं। हाँ, ताकि ये तूफान आने के बाद जो तबाही मचने वाली है ना, उसको कोई संभाल पाएगा। चल 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 बेबे, अरे चल। नई बहू के गृह प्रवेश के लिए आरती की थाल और चावल का कलश लेकर आओ।
आज से तो इस घर की बहू है। तूने शादी करवाई थी ना सज्जू से, और तेरे साथ मैंने गृह प्रवेश भी किया था, लेकिन तुझसे बड़ी बेगैरत और बेशरम औरत मैंने नहीं देखी। मुझे पता है दुनिया में ना लाखों हजारों दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने अपने दोस्तों को धोखा दिया होगा, लेकिन उन हजारों लाखों दोस्तों में कोई ही शायद ऐसा होगा परी, जो अपने दोस्त से उसका प्यार छीन ले, उसका सुहाग ही छीन ले। मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। तू अकेले कुछ नहीं कर सकती, समझी? एक बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे नीति चिल्ला मत, मैंने अपनी तरफ से दोस्ती निभाने में कोई कमी नहीं की, लेकिन अगर तू चाहती है कि हमारा दोस्ती का रिश्ता यही खत्म हो जाए तो ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। लेकिन जब तेरा असली चेहरा सबके सामने आएगा ना नीति, सब तुझसे नफरत करेंगे। अब बोल परी, तू क्या चाहती है? जो तू चाहती है, सच का खुलासा। की होया? ओए बलबीर, अब बताने का नहीं दिखाने का टाइम आ गया है, दिखाने का। ताई जी, मुझे ना संजू की कंप्लेन करनी है आपसे। ताई जी, आप भाभी की कोई भी बात मत सुनना, ये जो भी बोलेंगे ना झूठ बोलेंगे। क्यों नहीं सुनेंगी? आज सबको सुनना पड़ेगा। ताई जी, मेडिसिन नहीं खा रहा है संजू अपनी, अभी वाली मेडिसिन भी इसने फेंक दी और मुझे बोलता कि मैंने खा ली, झूठा कहीं का। आप इतने से झूठ की शिकायत कर रही है भाभी? और यहाँ तो लोग बहुत बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, सबके सब बोल रहे हैं लेकिन कोई शिकायत नहीं कर रहा। बात ये नहीं है, पर ये तो सच है ना कि यहाँ के लोगों ने बड़े बड़े झूठ बोले हैं, इतने बड़े कि पूछो मत। जो बोलना है साफ साफ बोल, बातों को घुमा क्यों रही है? सब लोग यही है ना, तो जो बोलना है सबके सामने बोल। गुड जॉब परी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी गिरी हुई निकलेगी, इतनी बेशरम। अगर बेशर्मी का कोई चेहरा होता ना, वो तेरे जैसा ही होता। एक सेकंड, नीति तुम्हें क्या बोले जा रही हो, और ये घर में क्या तमाशा चल रहा है? परीपुत्र, तू तो बता, गल की है पुत्र, बेबे तो कुछ बता ही नहीं रही है। मैं क्या बताऊं, ये दोनों आपस में बात तो कर रही है ना, तो सुन लो। तुम बताओ परी, क्या बात हुई है? तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते थे ना, वो कौन होती है तुम्हें कुछ बताने वाली? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ गलत कहा है मैंने? मैं तुम्हारी बीवी हूं या ये? इसे बता ही देना चाहिए मुझे, मुझे पता है कि परी भी तुम्हारी बीवी है। Thank you.
लगा था आप सबको, मुझे पता नहीं चलेगा, पर मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? क्यों छुपाया इतना बड़ा सच? भाई जी, आप तो मुझे अपनी बेटी कहती थी ना, तो फिर इतना बड़ा अन्याय होते हुए कैसे देख लिया आपने अपनी बेटी के साथ? आप औरतों के हक के लिए लड़ती हैं, तो मेरे हक का क्या? आप सबकी भलाई करती हैं, लेकिन अपनी घर की बहू की भलाई का क्या? आपका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। और मम्मी जी, आपने हमेशा कहा कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, हमेशा मेरे साथ रहेंगी, ये है आपका प्यार? मैं संजू की वाइफ हूं, लेकिन फिर भी सारे हक परी को दिए जाते हैं, क्यों? और चंद्रिका भाभी, रिश्ते में मैं आपकी भाभी हूं, संजू से प्यार करती हूं और संजू मुझसे प्यार करता है, सो कॉल्ड लव हो इसकी, जिससे लव मैरिज की है, लेकिन फिर भी आपको संजू की जोड़ी परी के साथ ज्यादा पसंद है ना? और अमित वीर जी और मोंटी, आप दोनों से मैं क्या कहूं? ना आप दोनों कुछ बोलेंगे और ना ही कुछ बताएंगे, और संजू, बाकी सबसे क्या शिकायत करूं जब तुमने इतना बड़ा सच छुपा दिया मुझसे? कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इस जगह लाकर खड़ा कर दोगे। मैं सोचती रही कि सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हारी और परी की शादी की बात किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। इतने पत्थर दिल कैसे हो गए सब? अगर ये सब पत्थर दिल है तो तू कौन है? माना कि इन सब ने तुझसे एक सच छुपाया, मेरी और संजू की शादी का, लेकिन तूने क्या किया? इन लोगों की आंखों में देख, सब लोग तुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, इन लोगों के लिए तेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। हमेशा तेरा अच्छा चाहा इन लोगों ने, परी बिल्कुल ठीक कह रही है नीति। और परी भी जब उसे तेरे और संजू के बारे में पता चला, ये रास्ते से हट गई, और तो और ये कर छोड़ के भी जा रही थी। हाँ, और ऐसा करके ये महान देवी बन गई हमेशा की तरह, है ना? नहीं ताई जी, जब जब इसने घर छोड़ने के बाद सोची है ना, आप सबने इसे सर पे चढ़ा लिया है। लेकिन अब और नहीं, ये उस दिन नहीं गई कोई बात नहीं, लेकिन आज ये इस घर से जाएगी, क्योंकि एक आदमी की लाइफ में दो औरतें नहीं हो सकती। और यहां बात दो औरतों की नहीं है, दो बीवियों की है। बहुत बोली तुम नीति, बहुत ज्यादा बोली तुम। अगर तुम्हें पता चल गया था कि मेरी और परी की शादी हो चुकी है, तो तुम ऐसे सबके सामने तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अकेले में मुझसे आके बात करनी चाहिए थी, ऐसे मेरी पूरी फैमिली को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए था, समझी तुम? एम्बैरेसिंग सिचुएशन? तुम्हें अभी भी अपनी फैमिली और अपनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन मेरा कुछ नजर नहीं आ रहा। My God, तुम्हें क्या समझा था मैंने, और तुम क्या निकले संजू? तुम इतना रूठ कैसे हो सकते हो मेरे साथ? तुम्हें कोई पछतावा नहीं है ना? तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, लेकिन नहीं,
तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। उल्टा मुझे गलत बोल रहे हो तुम। यहाँ सब लोग मुझसे झूठ पे झूठ बोलते रहे लेकिन सब सही, मैं गलत। अगर मैं सच जानना चाहूँ तो मैं गलत हो गई। सच जानने के बावजूद अगर तुम सबके मुंह से मैं सुनना चाहूँ सच तो मैं गलत हो गई। मुझे चुप करवा रहे हो तुम। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम हर चीज को गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ तो क्या है? क्या है? कुछ नहीं है ऐसा तो क्या है मुझे बताओ। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना, फिर भी तुम हमेशा परी की केयर करते हो, इसे सपोर्ट करते हो। परी और राकेश की शादी रुकवाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया तुमने संजू। पर तुम्हें किसने हक दिया? किसने हक दिया मेरे प्यार को जोखिम में डालने का? किसने हक दिया मेरे हस्बैंड के साथ खेलने का? नीति प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे, बस बहुत हो गया, इनफ। आज तुम डिसाइड करो तुम्हें कौन चाहिए, परी या नीति। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूँ तो सीधा सीधा जवाब दो। मैं चाहिए हो या ये? कि क्या बकवास कर रही है तू? ये सिर्फ तुझसे प्यार करता है, इसे तेरे अलावा और कोई नहीं चाहिए। अच्छा बकवास मैं कर रही हूँ या तू कर रही है नीति? अरे बस बहुत बोल ली तू। मैं अपने पति से बात कर रही हूँ समझी, और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई मेरे और मेरे पति के बीच में बोले, चाहे फिर वो उसकी दूसरी बीवी क्यों ना हो। इसलिए आज तू अपनी हद में रहना समझी। और तू क्या कह रही थी कि ये सब लोग मुझसे प्यार करते हैं इसलिए इन लोगों ने सच छुपाया? हाँ मुझे कोई तकलीफ ना हो या मैं खुश रहूं इसलिए तेरे और संजू की शादी लोगों ने मुझसे छुपाई? पर क्या ये सच है परी? नहीं, इन लोगों को ना मेरी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मैं खुश रहूं या दुखी। भाई जी, मम्मी जी, ताऊ जी, मोंटी, वीर जी और चंद्रिका भाभी सबके सब सिर्फ परी परी करते रहते। आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इस घर की बहू। इसमें इनका दोष नहीं है, सारा किया धरा इसी लड़की का है। इसने सबको अपने जाल में फंसाया हुआ है, भोला चेहरा दिखा दिखा कर। उसी का ये नतीजा है, सारे कारनामे इसी ने किए हैं। मान लिया बेबे, किसकी भोली भाली शक्ल देख के और नाटक देख के सबको तरस आ गया होगा, लेकिन लेकिन इस सब में मेरा क्या? यहाँ सवाल परी का नहीं है, मेरा है, मेरी जिंदगी का है। मेरी जिंदगी का क्या? ये लड़की ये कल से यही बोल रही है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन नहीं, आप सबने देखा ना, देख रहे हो ना, ये अभी भी मेरे सामने खड़ी, मेरी आंखों के सामने। मैं हमेशा से इस घर को छोड़ के जाना चाहती थी, हमेशा से, और कई बार कोशिश भी की लेकिन हर बार हालात ऐसे बन गए कि जा नहीं पाई। लेकिन अब मैं यहां नहीं रहूंगी। क्यों नहीं रहोगी? तुम प्रेग्नेंट हो पा रही, और इस हालत में मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगी। संजू तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो? तुम एक बार फिर से ये प्रूव कर रहे हो कि मेरे और परी के बीच में। शराब नीति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्रेग्नेंट है वो, उसकी कोख में मेरा और तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो, क्या कर रही हो? उसकी केयर करना, उसकी देखभाल करना हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं है, ये यहाँ नहीं रहेगी, बस
ये यहाँ से जाएगी। ये कहीं नहीं जाएगी, मैंने कहा ना ये यहीं रहेगी। तो फिर तुम क्लियर क्यों नहीं करते कि तुम्हें कौन चाहिए इस घर में, मैं या परी? हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसे माफ कर दो प्लीज। ताई जी, नहीं ताई जी, आप ये ना हाथ जोड़ के माफी मांगने का नाटक मेरे सामने मत कीजिए, परी के सामने कीजिए तो ही अच्छा होगा। मेरे सामने आपके ये नाटक नहीं चलेगा। नीति, क्या हो गया तुझे? माना कि इन लोगों ने तुझसे एक सच छुपाया है, लेकिन पता है क्यों? तेरे भले के लिए। और तू बिना पूरी बात जाने कुछ भी बोले जा रही है, भला बुरा जो मन में आया बोले जा रही है। बड़ों का लिहाज कर ताऊ जी ताई जी, ये लोग घर के बड़े हैं। माना तेरा गुस्सा तेरी नाराजगी सब समझती हूँ मैं, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ किसी से बात करने का? हाँ, और तू दूसरों को बोल रही है, इन लोगों को बोल रही है? खुद को देखा है तूने? तू क्या कर रही है? इन लोगों ने तुझे सच नहीं बताया क्योंकि मैं यहां से जा ही रही थी। इन्हें लगा कि बीती बात बताने से तेरा दिल टूट जाएगा, लेकिन अब क्या, तू यहां से चली जाएगी तो सब लोग मुझसे नफरत करने लगेंगे। कितना गलत समझती है ना तू मुझे यार। मैंने ऐसे कभी नहीं कहा है और ना ही कभी ऐसा मैं सोच सकती हूँ। ये घर ये परिवार हमेशा से तेरा था, तेरा है और तेरा ही रहेगा। नहीं परी, ये घर ये परिवार जितना नीति का है उतना तुम्हारा भी है। तुम कहीं नहीं जा रही हो, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, मैं मानता हूं मैंने तुमसे झूठ बोला, मेरी और परी की शादी हो चुकी है, बट आई स्वेयर मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और किसी से नहीं। और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। नहीं बोल रहा हूं नीति, झूठ नहीं बोल रहा हूं। इनफैक्ट यहां पे कोई भी अभी झूठ नहीं बोल रहा है। जिस चीज के लिए हम लोग झूठ बोल रहे थे ये सब कुछ हमने क्लियर कर दिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। क्या थ्योरी है ना तुम्हारी संजू, पहले झूठ बोलो फिर उस झूठ का एक रीजन बता दो ताकि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सही हो जाए। सही कहा ना, अब तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, परी और तुम पर जो मुझे विश्वास था वो फिर से आ जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले जैसा कुछ हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। नीति पुत्र, संजू की तरफ से, हम सब की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूं। नहीं, अब ये सॉरी सॉरी ना मुझे नहीं चाहिए। ये सॉरी का नाटक मेरे सामने मत करो प्लीज। अब सबने मेरा दिल दुखाया है, मेरा विश्वास तोड़ा है, इसलिए यहाँ पर किसी को भी सॉरी बोलने का, मुझसे माफी मांगने का, मुझसे बात करने का कोई भी हक नहीं है। सोच रही थी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चाहे जो हो जाए मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी, चुप रहूंगी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन इन सब ने तुझसे एक सच छुपाया तो तू इन्हें नीचा दिखाने पर उतर आई। और तूने क्या किया है नीति, तूने मेरी शादी राकेश से करवाने की कोशिश की ताकि मैं इस घर से चली जाऊं। मुझे मरवाने के लिए हॉस्पिटल क्रेन, पता नहीं क्या क्या किया तूने।
बच्चे को भी मारने की कोशिश की। तुमने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की,